तंत्र होता क्या है, झंडा चला के रखते हो आप ही लोग का सर। आप लोगों को केवल मोदी का विरोध करना है। अच्छा सर, अनिल भी कौन है? अनिल मैं ये कह रहा हूँ, आप इतने पत्रकार थे जब यहाँ आजादी के नारे लग रहे थे, जवाब तो दो। ब्राह्मणवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, जातिगत आतंक के इस आंदोलन को खराब करने का प्रयास किया, उसके लिए आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? बताओ, बजरंग दल उन्माद नहीं फैलाती? लोगों को मारना पीटना 14 फरवरी के सेवा सुरक्षा संस्कार बजरंग दल का नारा है। अरे 5,000 लेके कितने का काम करेगा भाई? हो गया जिसको भी नारे लगाना है तो यहाँ समर्थकों के नारे लगेंगे। यहाँ पे ना किसी पार्टी का नारा लगेगा, ना कोई धार्मिक नारा लगेगा। मैं बता दूं क्यों मैं उनसे बातचीत कर रही थी इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा राजनीतिक मंच क्यों बना रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं, कतई राजनीतिक मंच नहीं, मंच किसी ने नहीं बनाया। भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक मंच ना बनाया जाए। पर राजनीतिक मंच की बात ये होती है कि जो सरकार है हम लोग उसी से तो बोलेंगे, इंसाफ किससे मांगेंगे? नोक झोंक नहीं, मैंने उनसे सवाल पूछा, सरकार आपकी है, आप सरकार के समर्थक हैं, तो आपकी सरकार की जवाबदेही बनती है। वो कानून के प्रोसेस बता रहे हैं, कानून का प्रोसेस मैंने उनसे सवाल किया, कानून का प्रोसेस ये था कि जैसे ही कोई पीड़ित पुलिस अधिकारी के पास जाता है कि हमारे साथ ऐसा अन्याय हुआ, तुरंत उसके खिलाफ जो उसके हक में एफआईआर लिखना चाहिए था। कोई बात नहीं, जय श्री राम का नारा मैं भी लगा रहा हूँ, जय श्री राम। इसमें नारा लगाने में नारे से किसको आपत्ति है? नारे से किसी को आपत्ति नहीं है। वो अपने सरकार की, अपने सरकार का समर्थन कर रहे थे, तो मैंने कहा बिल्कुल अच्छी बात है, आप सरकार की तरफ से आए, लेकिन हाँ आप जवाब दीजिए कि सरकार ने अभी तक, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस सारे मामले पे अभी तक कोई जवाब क्यों नहीं दिया, कोई आवाज क्यों नहीं खोली? वो चुपते कहे कानूनी प्रक्रिया। हमने कहा कानूनी प्रक्रिया जब है तो कानून ने मुकदमा दर्ज करने में इतनी देर क्यों लगाई? क्या सब कुछ सुप्रीम कोर्ट करेगा? सुप्रीम कोर्ट का थप्पड़ लगता है मुकदमा दर्ज होता है, सुप्रीम कोर्ट का थप्पड़ लगता है तब सरकार कोई काम करती है। हमने सरकार चुना, सरकार कौन? वो कह रहे थे एक प्रोसेस है, करेंगे करेंगे। अरे करेंगे तो आप जवाब दो ना। भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता, वो सब हमारे अपने भाई, हमारे अपने मित्र हैं, हमारे देश के नेता, वो क्यों नहीं आ रहे? उनको आना चाहिए, उनको क्या शर्म लग रही है? छोटी छोटी सी बातों में लोगों की धार्मिक आस्थाएं आहत हो जाती है, बेशर्म रंग पे धार्मिक आस्थाएं आहत हो जाती है। हमारी ये बेटियां जिनके ऊपर ऐसा अत्याचार हुआ, जिन्होंने ऐसे आरोप लगाए, ऐसे संगीन गंभीर आरोप लगाए, क्या हमारे पूरे भारत की आत्मा आहत नहीं हुई? होनी चाहिए थी। कहाँ है आत्मा आहत होने वाले लोग? कहाँ? देखिए मैं तो यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से देश को कि बेटियों को केवल और केवल इंसाफ मिले। ये बेटियां 3 महीने पहले धरने पर बैठी थी, तब किसी भी विपक्षी दल या आंदोलनकारी व्यक्ति को यहाँ पर मंच नहीं दिया गया था, एक आश्वासन के तौर पर धरना उठाया गया था। हम यही चाहते हैं जो व्यक्ति आए थे उनसे क्या बातचीत हुई? ऐसे लोग होते हैं जो जय श्री राम लगाओ चाहे नारा, चाहे आज़ादी के नारा लगाओ, वो विपक्षी दलों के द्वारा भेजे हुए लोग होते हैं ताकि आंदोलन को खराब किया जा सके। किसी तरह गहरी साजिश होती है आंदोलन को खराब करने के पीछे। मैं यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ, आसानी से इन चीज़ों को समझता हूँ। यूपीएससी की तैयारी छोड़कर इस आंदोलन में आया हूँ, ऐसे थोड़े किसी आंदोलन को खराब करने देंगे आप? मैडम प्रदर्शन गलत हो रहा है, इस बात को ये बोल रहे हैं। थोड़ा पीछे हो जाओ। ये बताइए कि हुआ क्या है? ऐसा है, ये लोग अंदर आए, सुनिए एक बात सुनिए, आराम से सुना, आराम से। ये अंदर आए कि इन्होंने आपके मीडिया वाले जो हैं इनका भी इंटरव्यू लेने लगे। ये बोल रहे हैं कि ये सारा जो
जो धरना दे रहे हैं ये गलत है और ये बीजेपी को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये शब्द बोला जा रहा है, ये शब्द ये बीजेपी वाले लोग बोल रहे हैं। ये बीजेपी वाले अब क्यों भेज रहे हैं लोगों को? अब ये बीजेपी उन्होंने भेजा, हाँ ये उन्होंने बीजेपी का नारा क्यों बोल रहा है? जय श्री राम क्या बोले उन्होंने? आप एक बात फिर उनको इनको ये बात क्यों बोल रहे हैं कि ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये भूषण को बदनाम करा जा रहा है? क्या बोल रही है? बीजेपी का आदमी है वो, दोनों बीजेपी का आदमी आरएस के बंदे दोनों, बहुत मुझ बोल के गए यहाँ पे, पकड़ लिया हमने, पकड़ा दिया एसएचओ को बोल के। बताइए जब इन्होंने खुद बोला के अगर पहलवानों के खिलाफ में बात कर रहे हैं वो लोग, जब हमें यहाँ आ गए ठीक है, उन्होंने उन्होंने ये बोला कि भूषण को बदनाम किया जा रहा है। अब बेटियों के बारे अगर इनकी बेटी होती तो क्या ये भी नहीं करते ये बात है? उनकी बेटी आगे बढ़ाना चाहिए ना, ये हमारे षड्यंत्र रचाया जा रहा है, इनको बदनाम करने के लिए बेटियों को बदनाम कर रहे हैं ये लोग, ये बोल रहे हैं ये तो खामा खा बैठे हैं तो इनको उठाया नहीं जाता है, यहाँ ये क्यों आते हैं? ये ये माहौल बगाड़ने के लिए ये पैसे लेके भेजते हैं लोग, पैसे लेके भेज रहे हैं ये सरकार है? ऐसा था ये आया यहाँ, यहाँ आके ये लोग जो बाइट लेने लग गए वो बोलने लगा, हम आपने जो साक्षी मलिक के बारे में बात करने लगा कि इन्होंने ये बोला कि इनके पास क्या सबूत है, इनके पास क्या सबूत है? जय श्री राम का नारा भी लगा रहे, वो जय श्री राम का नारा लगा रहा है यहाँ के। अच्छा क्या दिक्कत है? अरे सर जी हमें ये दिक्कत नहीं है, पर वो बेटियों के बारे में बात करना चाहिए ना। अब ये बोल रहे हैं कि भूषण को बदनाम करा जा रहा है, हैं? तो वो ये बोल रहे हैं उनको आरोप लगाया जा रहा है, ये बात बोला उसने, हैं? यहाँ आके लोगों को भड़काने लग रहे हैं। जो सोशल मीडिया है ये आवाज़ पहुँचा रही है सब, यही अगर ये ना हो तो लोकतंत्र खतरे में हो जा। अरे भाई ये आने वाली जो है तुम्हारी जो सोशल मीडिया है इसी यही ये जो इतिहास में लिखा जाएगा नाम, तुम्हारे लोगों का पेट भूख प्यास है, कोई तुम्हें पैसा नहीं दे रहा, कोई तुम्हें कौड़ी नहीं दे रहा और तुम भूखे प्यासे सोशल मीडिया को लड़ के अपनी आवाज़ उठा रहे हो, जनता तक गली तक पहुँचा रहे हो, तो इसका मतलब क्या? इसका मैसेज ये है कि आने वाली नस्लें जो सोशल मीडिया की हैं ये जो है अच्छा काम कर रहे हैं, समाज को बचा रहे हैं, देश को बचा रहे हैं, विकास को बचा रहे हैं, जुडिशरी को बचा रहे हैं, CBI को बचा रहे हैं, LIO को बचा रहे हैं। ये आने वाला इतिहास आप लोगों का बनेगा, इनका नहीं बनेगा, पैसे लेकर के एक तरफा दिखा रहे हैं। अरे भाई कम से कम ये बोलो, जुडिशरी को बोलो, दिल्ली पुलिस को बोलो, अब दिल्ली पुलिस भी मजबूर है, CBI भी मजबूर है, LIO भी मजबूर है, बेचारे कुछ लोग अफसर अच्छे हैं तो उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, अब वो भी वक्त की नज़ाकत को समझ रहे हैं तो करें तो क्या करें? तो ये है ना सारा सिस्टम, तो ये है सारा देखने वाली बात, ये है। एक डायरेक्टर ने बोला था CBI के, उसको आज तक पड़ा हुआ है, एक जज ने बोला था उसको उठा करके फेंक दिया। देश की निगाह सुनिए सुनिए, देश की निगाह इस मामले पे बनी हुई है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर गलती है उनकी ब्रजभूषण सिंह की तो उनसे पद का इस्तीफा भी दिया जाएगा। अरे भाई 197 CRPC पढ़े आपको जवाब मिल जाएगा। हाँ हाँ 197 CRPC पढ़ लीजिए आप। अरे हम समर्थन किसी का नहीं कर रहे, हम सत्य का समर्थन करते हैं, छोड़े में कहीं भी कहलवा लो, वे हमारी बहन बेटियां हैं, बट सुन लीजिए मेरी बात। हम ये कह रहे हैं आप इसको जांच को होने दें, किसी भी केस में जांच तो पुलिस ही करेगी, जांच तो पुलिस ही करेगी ना, अरे जांच तो पुलिस ही करेगी ना।